उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक हफ्ते में गदरपुर दिनेशपुर वाया सिड़कुल सड़क पर दो लोगों की मौत हो गई। 4 दिन पहले इसी सड़क पर एक युवक की मौत हुई थी। आज फिर एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की शाम को रामबाग गांव के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। मृतक फैक्ट्री में चौकीदार का काम करता था। सड़क पार करते वक्त सड़क में बने गड्ढे से बचने के लिए ट्रक को हाथ भी दिया, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने अनदेखा कर बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक दिनेशपुर के अमृत नगर नंबर 1 के बृहस्पति नाम का बुजुर्ग अपने घर से रामबाग की तरफ जा रहा था। रामबाग स्थित अशोका लीलैंड यार्ड के सामने पीछे से आए अनियंत्रित ट्रक UP21AN 7355 ने बाइक सवार 60 वर्षीय बुजुर्ग को टक्कर मार दी। ट्रक चालक और कंडक्टर को पकड़ लिया गया। मौके पर पहुंची दिनेशपुर पुलिस ने घायल को 108 की मदद से रुद्रपुर जिला अस्पताल भेज देर रात को जिला अस्पताल रुद्रपुर से हायर सेंटर राजकीय सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है, और इससे पूर्व कुछ दिन पहले भी ऐसी ही एक दुर्घटना हुई और जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई। तो ये बहुत ही दुखद है। मैं तो आज यहाँ उनके परिवार में दुख संवेदना व्यक्त करने पहुँचा, और चूंकि मेरे आवास से नज़दीकी है, मेरा पास का गांव है, और सुन के बड़ा दुख हुआ कल शाम को ये घटना हुई। और सबसे पहले तो मुझे इस परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक सड़क का विषय है, इसको लेकर 2023 में हम लोगों ने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, और उस समय भी उसके बाद लिपापोती वाले बयान आए, ये सड़क का चौड़ीकरण होगा, इसका पुनर्निर्माण होगा, और इस तरह की बातें कह के, लिपापोती वाली बातें कह के जो है मामला को शांत कर दिया। और ये शुरू से यही चीज़ हो रहा है। ये सड़क तो एक प्रकार से हम इसको मौत की सड़क भी कह सकते हैं। ये सड़क से जो गुजर रहा है उसके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। बड़े बड़े गड्ढे हैं, और गड्ढे छोड़ दो तो सड़क बसती नहीं है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि ये सरकार के पास पैसे की कमी, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सरकार के पास पैसे की कमी है। सिर्फ काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जनता के प्रति संवेदना होनी चाहिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।